इससे पहले कि मैं आपको कुर्ता पजामा के बहुत बढ़िया से डिज़ाइन दिखाऊं, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप एशिया में रह रहे हैं तो आपका कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि कुर्ता पजामा के बगैर कंप्लीट हो जाए। कुर्ता पजामा हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं और ये हमारा ट्रेडिशनल वेयर भी है जो कि हमें हर जगह पहनना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट से। तो अगर आप कुर्ता पजामा के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे 3 पॉइंट कुर्ता पजामा बाय या सिलवाने से पहले अपने जहन में रखने हैं ताकि आप कुर्ता पजामा में हमेशा औसम नजर आ सकें। तो हे हैंडसम, दिस इज ज़मान, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है कुर्ता पजामा की फिटिंग बारे में। तो आपको 3 खास जगह होती हैं कुर्ता पजामा में जो कि आपको जहन में रखनी है, जिनकी फिटिंग आपको हमेशा अच्छी तरह फिट होनी चाहिए। नंबर 1 पर आपका शोल्डर का एरिया। अब शोल्डर का जो एरिया होता है वहाँ पर जो सिलाई होती है, यहाँ पर कंधे पर जो सिलाई आती है वो हमेशा कंधे के ऊपर रहनी चाहिए, ना ही वो नीचे ना ही वो ऊपर। अब इसका क्या नुकसान है? अब नुकसान ये, जब आपकी जो ये सिलाई है वो नीचे जाएगी तो आपका शोल्डर ज़्यादा पतले नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आपका जो कुर्ता पजामा है वो ढीला ढीला नजर आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पर आपको अपने हमेशा बैक एरिया की जो फिटिंग है वो हमेशा अच्छी करवानी चाहिए। अब वो किस तरह? अगर आपकी बैक जो है वो ऊपर से अच्छी तरह फिट है, नीचे से बेशक आपका कुर्ता पजामा थोड़ा सा लूज हो जाए लेकिन आपका जो शोल्डर और जो बैक वाला एरिया है ये अच्छी तरह फिट होना चाहिए। अब इसका फायदा ये होता है कि आपकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा औसम हो जाती है, आपका चेस्ट और आपकी बैक काफ़ी ब्रॉड लगती है और आपको कुल मिला के जो वी शेप मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप कुर्ता पजामा सिलवा रहे हैं तो आपको शोल्डर के साथ साथ अपनी जो ये वाला एरिया होता है यहाँ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अगर कुर्ता पजामा के साथ आप पजामा सिलवा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो पजामा है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। आपको अपना पजामा इतना खुला रखना है कि आप जब बैठें तो आपकी जो टांगे हैं, आपकी जो लेग्स हैं वो नीचे उसके अंदर फंस ना रही हों, यानी कि वो आप कंफर्टेबली बैठ भी सकें और उठ भी सकें। तो ये आपका जो कुर्ता पजामा है वो परफेक्ट फिटेड कुर्ता पजामा कहलाएगा। तो नंबर 1 पर आपको शोल्डर का एरिया याद रखना है, नंबर 2 पर आपको बैक का एरिया और चेस्ट का एरिया याद रखना है, नंबर 3 पर आपको जो पजामे का एंड होता है वहां पर ख्याल रखना है कि आपका जो पजामा है वो अच्छी तरह आपको फिट हो। तो पॉइंट नंबर 2 था कि आप जब भी कुर्ता पजामा पहन रहे हैं तो उसमें जो कलर का एक्सपेरिमेंट है वो करना कभी भी ना भूलें। आप कोई भी कलर ट्राई कर सकते हैं, आप किसी तरह का भी कलर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बात याद रखनी है कि वो कवर जो कलर है वो ज्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। आपको ज्यादा ब्राइट जो कलर्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए। कुछ ऐसे ब्राइट कलर्स होते हैं जो कि आपको कभी भी अच्छा नहीं दिखाते। नंबर 1 पर जैसे अगर आप पर्पल कलर पहनते हैं कुर्ता पजामा में, वो भी ब्राइट कलर शाइन वाला, तो आपको बिल्कुल भी कभी भी किसी भी हालत में अच्छा नहीं दिखाने वाला। नंबर 2 पर अगर आप कुछ ज़्यादा ही जो ग्रीन होता है, जिसे हम पैरेट कलर भी कहते हैं, लाइट ग्रीन कलर, अगर वो ब्राइट पहन लें तो वो भी आपको बिल्कुल बुरा दिखाने वाला। आप चाहे किसी तरह का भी कोई भी किसी का मैच कर लें लेकिन वो कलर आपको बहुत ज़्यादा बुरे दिखाने वाले हैं। आप सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आपके पास अगर आप बिगनर हैं जो आप कुर्ता पजामा कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे कुर्ता पजामा यूज़ कर सकते हैं जिनके कलर्स डार्क हों, ब्लैक हो गया, ब्लैक के बाद नेवी ब्लू हो गया। आप ग्रीन कुर्ता पजामा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लाइट कलर्स में हैं तो आप लाइट कलर में इस तरह के कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके आपको अच्छा दिखाएंगे, लेकिन आपको ब्राइट कलर से थोड़ा सा दूर रहना है, वो आपको थोड़ा सा बोरिंग दिखाते हैं, थोड़ा सा ओवर दिखाते हैं। नंबर 3 पर और लास्ट वो चीज़ जो कि आपको जहन में रखनी है, देखें कुर्ता पजामा सिंपल तो औसम लगता ही है लेकिन आप उसे किसी चीज़ के साथ पेयर कर लें तो वो आपकी जो लेवल को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। आप उसके साथ वेस्ट कोट भी पहन सकते हैं, आप उसके साथ ब्लेज़र भी पहन सकते हैं। हमेशा याद रखें, आप ब्लेज़र जब भी पहनें तो डार्क कलर के ब्लेज़र को हमेशा ज़्यादा यूज़ करें, आपको ज़्यादा बेटर दिखाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छे दिखाएंगे। अगर आप वेस्ट कोट पहन रहे हैं तो प्लीज़ 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 वेस्ट कोट पर किसी भी तरह के कार्टून वगैरह बिल्कुल अवॉइड कर दें। हाँ, आप फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि लेस इज़ मोर। अगर आप सिंपल वेस्ट कोट यूज़ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाएगी। तो हैंडसम, ये थे 3 पॉइंट जो कि आपको हमेशा जहन में रखना है कुर्ता पजामा लेते या सिलवाते वक्त। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे औसम कुर्ता पजामा डिज़ाइंस जो कि आपको लाजमी बाय करना चाहिए, ताकि कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, आपको औसम दिखाएंगे।